हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमें टॉपिक जो लेके आई वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो हम इस वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटी की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके फादर कौन थे। तो फादर थे सैमुअल किर्क, जो कि क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। की पॉइंट्स में आपको ये याद रखना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ डायनामिक। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, डायनामिक होती है, ये स्टैटिक नहीं होती है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, हमारे कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है फर्स्ट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब कि आपका क्या होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, रीडिंग प्रॉब्लम से सफ़र करता है। रीडिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, वो बी को डी पढ़ देता है, एंड जैसे और भी काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें बच्चा रीडिंग प्रॉब्लम में से सफ़र करता है। मतलब कि वो जो वर्ड लिखा होता है उसका अपोजिट पढ़ता है, उसको उल्टा करके पढ़ता है। मतलब कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, रीडिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये कैसे डिसेबिलिटी है, ये डिसलेक्सिया है। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारे यहाँ पर दे रखा है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया डिसकैल्कुलिया में आप देखो, यहाँ पे लास्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कैलकुलिया का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड। और जो चीज़ कैलकुलेशन से है वो क्या आती है, हमारे यहाँ पे मैथ है। मैथ प्रॉब्लम कैलकुलेशन से रिलेटेड है, रीजनिंग प्रॉब्लम भी होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन का और थोड़ा अरिथमेटिक प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो डिसकैल्कुलिया होता है वो क्या होता है, मैथ प्रॉब्लम्स और रीजनिंग और अरिथमेटिक में जो भी है उससे रिलेट करता है। एंड थर्ड हमारा पॉइंट है डिसग्राफिया। अब ग्राफ की बात हो रही है, मतलब कि हम ग्राफ कैसे वो करते हैं, हाथों से ड्रॉ करते हैं ना, उस पर ग्राफ दिया होता है, उस पर हम हाथों से फिर ड्रॉ करते हैं जो भी हमारे उसमें ग्राफ होते हैं। तो उसका मतलब है, ड्रॉ करने का मतलब हम रिटर्न वर्क करते हैं उसमें, राइटिंग मतलब कि बच्चा किससे सफ़र करेगा, यहाँ पर राइटिंग प्रॉब्लम से सफ़र करेगा। एंड फोर हमारा क्या है, डिसप्रैक्सिया। फोर क्या है, डिसप्रैक्सिया। अब प्रैक्सिया पी से क्या होगा, आप थोड़ा सा इसका आप ट्रिक भी लगा सकते हो या फिर आप वैसे डायरेक्ट लर्न कर सकते हो कि ये क्या होता है, मोटर प्रॉब्लम से बच्चा इसमें क्या होता है, सफ़र कर रहा होता है। मतलब मोटर में क्या होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा उसका, बच्चे को मतलब कि कोई भी काम करेगा या कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो कि वो कहीं पर कोई गेम खेल रहा है तो उसके आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि वो किससे सफ़र कर रहा है, डिसप्रैक्सिया डिसेबिलिटी का शिकार हो चुका है वो, ठीक है, हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिक बनाना चाहें तो मोटर पर मतलब प्रैक्सिया हो जाएगा, मोटर पर कुछ ऐसा आप बना सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। आगे हम देखते हैं इसमें फिफ्थ है ऑटिज्म। ऑटिज्म अब देखो, इसमें लास्ट में आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा, टीज्म, जम जम मतलब सोशल, ठीक है, टीज्म मतलब सोशल, सोशल से रिलेट करता है। मतलब कि सोशल इंटीग्रेशन में, इंटरेक्शन से क्या होता है, बच्चा सफ़र करता है, बच्चा ना सोशल इंटरेक्शन नहीं बना पाता। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, इंटरेक्शन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन आएगा। और लास्ट हमारा क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से बच्चा क्या करेगा, डरेगा, और वो क्या करेगा, लोगों के बीच में नहीं आएगा। तो उसे वो कौन से प्रॉब्लम से सफ़र करता है, ऑटिज्म से, और वो सफ़र करता है बच्चा। आगे हमारा क्या है, सिक्स है हमारा ADHD, ठीक है, मतलब कि क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा इसमें क्या होगा, तरीके मतलब कि हाइपर होकर रहेगा, मतलब कि उसको ज़्यादा ही एंजाइटी होगी, वो टेंशन में रहेगा, सही से एक जगह बैठेगा नहीं, वो बार बार इधर उधर क्या करेगा, अपने बॉडी मूवमेंट करता रहेगा, मतलब कि कहीं पर भी उसका अटेंशन नहीं रहेगा। आपका फर्स्ट वर्ड इसमें देखो यही यूज़ हुआ है कि अटेंशन डिफिसिट, मतलब कि वो किसी भी चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा, मतलब कि वो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ADHD डिसऑर्डर से क्या होगा, सफ़र कर रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या क्या होते हैं और बच्चा किस किस प्रॉब्लम से सफ़र करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।